हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 9th स्प्रिंट बेंच के नंबर सिस्टम चैप्टर का लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 हमारा रैशनलाइजेशन का पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले के दोनों लेक्चर्स, लेक्चर 7 और लेक्चर 8 भी हमने रैशनलाइजेशन के पढ़े हैं। वहां पे हमने बेसिक क्वेश्चंस को किया था। उसके बाद में अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एनटीएससी लेवल तक के क्वेश्चंस है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहले के सभी वीडियोस को देखिए, जिससे कि ये वाला लेक्चर आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हमारे पास जो इस टाइप का क्वेश्चन आया है वो है कि √2 + √3 / √2 - √2 जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाएगा तो उसका रिजल्ट कुछ ऐसा बनता है। और हम अभी क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना हमारे को आता है तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रिजल्ट ऐसा कुछ बनेगा। तो जब हमारा जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू बता देंगे। आई होप आप लोगों को इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि भाई हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने पर इसका रिजल्ट कुछ ऐसा बनेगा। जैसे मैं समझाऊं, यहाँ पे मान लो कि ये बन गया 3 - √6 बन गया। तो ए की जगह पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। बी की जगह पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन ये है कि भाई इसको सोल्व करने पे अगर ये ऐसा आता है तो हमें ए की वैल्यू बतानी है। तो हम यहां भी ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो दोनों को हम स्टार्ट करना शुरू करते हैं। तो देखो सोल्व करना शुरू करते हैं, सॉरी स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, गलती से बोल दिया। तो यहां क्या करना है हमें, देखो दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते जाएंगे, लास्ट में क्या होगा, राइट हैंड साइड का जैसा बन जाएगा कुछ ऐसा। तो यहां करेंगे बाय सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, बाय सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो देखो राइट हैंड साइड में तो ऐसे कैसे चलेगा, तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं उस राइट हैंड साइड को, फाइनल स्टेज में लिख दूंगा। तो देखो क्या होगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, उसके ऑपोजिट साइन से, डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइन से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां क्या आएगा, 3√2 + √3 और ऊपर भी क्या आ जाएगा, 3√2 + √3। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा यहां तक। फिर आगे क्या करेंगे हम लोग, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। नीचे तो देखो a - b, a + b की आइडेंटिटी बन जाएगी। तो नीचे तो क्या हो जाएगा, 3√2² - √2√3 का स्क्वायर। ऊपर क्या होगा, रूट थ्री को पहले इससे करो, तो सॉरी रूट टू को इससे करो, तो रूट टू को रूट टू से करेंगे 2/2 / 3 से करेंगे 6 प्लस। फिर रूट टू को इससे करो तो रूट टू और रूट थ्री रूट सिक्स होगा और साथ में 2 भी है तो 2√6। फिर इसको इससे करेंगे तो देखो रूट थ्री को रूट टू से करेंगे रूट सिक्स होगा और फिर उसको 3 से करेंगे तो 3√6 हो जाएगा प्लस। फिर इसको इससे करेंगे रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा और 3 को 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बन गया, देखो 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया प्लस 2√6 और 3√6 5√6। डिनोमिनेटर में क्या होगा, देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, रूट टू का 2, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 माइनस 2 का स्क्वायर 4, रूट थ्री का 3 होता है तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो नीचे ऊपर कितना बन गया, अगले स्टेप में इधर लिख रहा हूं, तो यहां बन गया देखो 12 + 5√6 और नीचे बन गया 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड निकल के आई है हमारी, राइट हैंड साइड क्या दे रखी थी, a - b√6। तो अब इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले देखो ये 6 इसमें भी डिवाइड होगा और इसमें भी डिवाइड होगा, तो क्या बनेगा, ये यहां एक स्टेप और लिख देता हूं। तो ये कैसे बनेगा, 12/6 + 5√6/6। तो यहां तो बन गया 2 + 5/6√6। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं 5/6 लिख दिया और √6 ऐसे कैसे लिख दिया, ये ऊपर ही है ध्यान रखना, न्यूमरेटर के साथ ही मल्टीप्लाई करूं। अब इन दोनों को कंपेयर करना है। तो देखो अभी यहां एक और प्रॉब्लम है, यहां माइनस है, यहां प्लस है, तो यहां इसको माइनस कैसे बनाया जाए। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि माइनस बना दिया यहां पे और इसको क्या लिख दिया, -5/6√6। आई होप आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि माइनस माइनस वापस से प्लस बन जाएगा। अब इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को देखो कंपेयर करो बोथ साइड,
तो कंपेयर करेंगे तो देखो एक ही जगह पे तो कितना आ रहा है, टू आ रहा है, माइनस की जगह माइनस आ रहा है, रूट सिक्स की जगह रूट सिक्स है, तो बी की जगह पे क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस का फाइव अपॉन सिक्स, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस फाइव अपॉन सिक्स। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे भी हम दो ऐसे क्वेश्चन और करेंगे जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से छप जाएगा दिमाग के अंदर। तो देखो सिमिलर क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है, सोल्व करके ऐसा कुछ बनाना है, फिर कंपेयर करके ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड का रैशनलाइजेशन करते हैं या बाय सॉल्विंग या बाय रैशनलाइजिंग, बाय सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, तो थ्री माइनस रूट फाइव, नीचे थ्री प्लस रूट फाइव, तो ऐसे कैसे, तो नीचे वाले के ऑपोजिट साइन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, थ्री माइनस टू रूट फाइव और थ्री माइनस टू रूट फाइव। तो देखो पहले थ्री को थ्री से करेंगे तो नाइन, फिर थ्री को इससे करेंगे प्लस है ये माइनस है तो माइनस आएगा, थ्री टू जा सिक्स रूट फाइव, ऐसे कैसे आ गए, फिर इसको इससे करेंगे माइनस प्लस माइनस थ्री रूट फाइव हो जाएगा, फिर उसके बाद में इसको इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस होगा, रूट फाइव को रूट फाइव से करेंगे तो फाइव आएगा, फाइव को फिर टू से करेंगे तो टेन आएगा, डिवाइड बाय नीचे क्या होगा ए माइनस बी प्लस बी बन गया, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी टू रूट फाइव का स्क्वायर। तो देखो ऊपर क्या बनेगा, नाइन और टेन कितना हो गया नाइनटीन, इन दोनों का कंबाइन करोगे माइनस नाइन रूट फाइव हो जाएगा, माइनस सिक्स रूट फाइव, माइनस थ्री रूट फाइव, माइनस नाइन रूट फाइव हो जाएगा। नीचे देखो थ्री का स्क्वायर कितना होगा नाइन, माइनस टू का स्क्वायर कितना होगा फोर, रूट फाइव का फाइव, फोर को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी। देखो ऊपर क्या बन गया नाइनटीन माइनस नाइन रूट फाइव और नीचे बन गया माइनस का इलेवन, नाइन मतलब ट्वेंटी में से नाइन माइनस करेंगे इलेवन होगा, माइनस ट्वेंटी बड़ा था इसलिए माइनस का इलेवन। अब दोनों को डिवाइड में लिख देते हैं, इसके भी डिवाइड में, इसके भी डिवाइड में। तो देखो यहां इसके डिवाइड में लिखेंगे नाइनटीन अपॉन माइनस इलेवन माइनस नाइन रूट फाइव डिवाइड बाई माइनस इलेवन। तो देखो ये माइनस माइनस ये तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो आगे सॉल्व करने के बाद में क्या करेंगे, प्लस वाले को पहले लिख देता हूं, तो नाइन रूट फाइव डिवाइड बाई इलेवन, और ये वाले माइनस वाले पार्ट को मैं कहां लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोनों को कंपेयर करते हैं, तो देखो इस साइड कितना था, ए रूट फाइव था राइट हैंड साइड में, माइनस नाइनटीन रूट इलेवन। तो देखो नाइनटीन रूट इलेवन वाला पार्ट तो ऐसे कैसे आ रहा है, रूट फाइव भी रूट फाइव के साथ, तो बाकी बच गया ए के साथ क्या आ रहा है नाइन बाई इलेवन, तो ए का रिजल्ट कितना हो जाएगा नाइन बाई इलेवन हो जाएगा। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट स्लाइड पे दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ऐसे ही दो क्वेश्चन हो रहे हैं, इनको भी सोल्व करके देखते हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है, इफ थ्री रूट फाइव माइनस फाइव रूट थ्री डिवाइड बाई टू रूट फाइव प्लस थ्री रूट थ्री बराबर है पी माइनस क्यू रूट फिफ्टीन। यहां से इसको सोल्व करने पे ऐसा कुछ बनेगा, उसके बाद में यहाँ पी और क्यू की वैल्यू निकालने के साथ में हमें क्या बताना, पी प्लस टू क्यू की वैल्यू बतानी है, मतलब डायरेक्ट पी क्यू नहीं लिखना है, हमें फाइनल रिजल्ट किसका निकालना है, पी प्लस टू क्यू का। तो हम यहां से कंपेयर करके पी और क्यू निकाल लेंगे, फिर इसकी वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। सेम क्वेश्चन ये है, इसको सोल्व करने पे कुछ ऐसा बनेगा ए प्लस बी रूट रूट थ्री मतलब रूट सी, तो यहाँ पे ए बी सी इन तीनों का हमें सम फाइंड करना है। तो हम करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होगा, वही है रैशनलाइजेशन करना है, नीचे वाले साइन के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो क्या होगा, थ्री रूट फाइव माइनस फाइव रूट थ्री डिवाइड बाई टू रूट फाइव प्लस थ्री रूट थ्री, इसको मल्टीप्लाई करना नीचे वाले साइन के ऑपोजिट से, तो कितना होगा टू रूट फाइव माइनस थ्री रूट थ्री डिवाइड बाय टू रूट फाइव माइनस थ्री रूट थ्री। आई होप आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, यहां तक रैशनलाइजेशन कैसे किया। अब मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे जो भी हो रहा है, आगे सोल्व करना है। तो देखो नीचे तो ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया, तो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर ऊपर क्या होगा, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे भी, फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो करते हैं हम। तो देखो इसको इससे करना है, थ्री को टू से किया सिक्स, रूट फाइव को रूट फाइव से किया फाइव, सिक्स को फाइव से किया थर्टीन। फिर इसको इससे करना है, ये प्लस का है माइनस का है तो माइनस का है, थ्री को थ्री से किया नाइन, रूट फाइव को रूट थ्री से करेंगे तो रूट फिफ्टीन।
आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ये चीजें तभी समझ में आएगी जब इससे पहले के लेक्चर्स को आप अच्छे से देखोगे। तो आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप पहले उन लेक्चर्स को देखो, फिर इन लेक्चर्स को देखना शुरू करो, जिससे कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर इसको इससे करना है तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस आएगा। रूट फाइव को मतलब सॉरी फाइव को टू से करेंगे तो कितना आएगा, टेन आएगा। रूट थ्री को रूट फाइव से करेंगे तो रूट फिफ्टीन आ जाएगा। ये माइनस है, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फाइव को थ्री से करेंगे तो कितना आएगा, फिफ्टीन। रूट थ्री को रूट थ्री से करेंगे तो थ्री, और फिफ्टीन को थ्री से करेंगे तो कितना आएगा, फोर्टी फाइव। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखो ऊपर वाला कुछ सोल्व हो रहा है तो हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखो 30 और 45 दोनों प्लस के हैं तो कितना हो जाएगा, 75। देखो माइनस का 10 और माइनस का 9 रूट 15, रूट 15 वाला ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, माइनस 19 रूट 15 डिवाइड बाय, यहाँ पे इसका स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का 5, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, माइनस 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का 3, 9 3 जा 27। तो जब ऊपर सोल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा, 75, और यहां कितना आएगा सेपरेट करने, माइनस 9 रूट 15 डिवाइड बाय माइनस 7। ठीक है, तो मैं आगे और सोल्व करूं तो यहां तो होगा 75 डिवाइड बाय माइनस 7, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके भी डिवाइड में होगा। ये मैं एक स्टेप में अगले में लिख ही देता हूं, पहले माइनस 7। तो अब होगा क्या, देखो आगे कंपेयर करो, तो जब कंपेयर करोगे तो देखो क्या हो रहा है, पी की जगह पे कितना आ रहा है, 75 डिवाइड बाय माइनस 7, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, माइनस 75 बाय 7 भी बोल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोनों का ऊपर नीचे कॉमन माइनस कहलाता है। ऊपर देखो ये वाला माइनस ऐसे कैसे, साथ में रूट 15 के साथ में कितना आ रहा है, ये रहा पार्ट, तो कितना आ रहा है, क्यू की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करोगे तो इसको, इसका आंसर कितना दिया हुआ था, पी माइनस क्यू रूट 15 दिया था ना, उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो क्यू की जगह पे कितना आएगा, माइनस 19 अपॉन 7। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पी प्लस 2Q की, तो पी प्लस 2Q निकालने के लिए पी की जगह पे कितना आएगा, माइनस 75 बाय 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई क्यू की जगह पे माइनस 19 बाय 7, माइनस 75 बाय 7। फिर यहां कितना हो जाएगा देखो, माइनस 38 बाय 7, जब एलसीएम लोगे तो 7 आ जाएगा, तो देखो यहां हो जाएगा माइनस 75 और माइनस का 38, एड करो देखो यहाँ 3 हो गया, 8 और 5 13 का 3 के लिए कितना आएगा 1, 7 और 3 10 और 1 11 बाय 7, यानी फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, माइनस 113 डिवाइड बाय 7। अगर ये देखो डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा डिवाइड, यहीं तक क्या करना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर इस वाले को देखते हैं। तो यहाँ भी क्या करना है, वही रेशनलाइजेशन करना है, तो हमें क्या करना है, नीचे वाले से ऑपोजिट साइन से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे, तो 3 रूट 2 प्लस 5 रूट 6 डिवाइड बाय 3 रूट 2 माइनस 5 रूट 6 मल्टीप्लाई करना है 3 रूट 2, नेगेटिव है तो पॉजिटिव से 5 रूट 6, और नीचे भी क्या आएगा 3 रूट 2 प्लस 5 रूट 6। अब देखो ऊपर ध्यान से देखोगे तो ये भी ए प्लस बी टाइप का दिख रहा है, ए प्लस बी, ये दोनों सेम हो गए, तो इसका होल स्क्वायर बनाया जा सकता है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, तो क्या होगा 3 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 5 रूट 6 का स्क्वायर। तो देखो ऊपर तो होल स्क्वायर करोगे तो 3 रूट 2 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे 5 रूट 6 का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह पे 3 रूट 2 बी की जगह पे 5 रूट 6 डिवाइड बाय, नीचे क्या होगा देखो 3 का स्क्वायर 9 रूट 2 का 2, 9 टू जा 18 माइनस 5 का स्क्वायर 15, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 रूट 6 का 6, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा। तो अब ऊपर देखो कितना आएगा, यहाँ 18 आएगा, यहाँ 150 आएगा, क्योंकि यही तो रिजल्ट था, ये तो बस बीच में प्लस था, प्लस लगा दिया, प्लस 5 3 जा 5 3 जा होगा 15, 15 टू जा 30, यानी 30 और रूट 2 और रूट 2 इसको करेंगे तो क्या होगा, रूट 6 को ये हो जाएगा रूट 12। ठीक है, फिर आगे और सोल्व करें, नीचे कितना हो जाएगा माइनस 132। आई होप आप लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी, देख लेते हैं एक बार कोई गलत तो नहीं किया हमने, भाई यहाँ नंबर ये दिया हुआ था, इसका ऑपोजिट से वो किया मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 रूट 2 का 2 हो जाए, 9 टू जा 18 होता है, सही है,
5 का स्क्वायर 25, रूट 6 का 6 होगा, 25 6 का 150 होगा, बीच में माइनस है सही है, ऊपर भी सही किया हमने, कुछ भी गलती नहीं की अभी तक। यहाँ और देख लेते हैं, 5 3 जा 15, 2 जा 30, रूट 5 रूट 12, रूट 2 और रूट 2 को रूट 16 मतलब रूट 6 को करेंगे तो रूट 12 आएगा। एक चीज और है वो भी मैं आप लोगों को देखो अगले स्टेप में बताता हूँ, पहले इसको सोल्व करते हैं। इन दोनों को कंबाइन करो कितना होगा, 168 प्लस 30 रूट 12, इसका देखो माइनस 132 इसके भी नीचे है, माइनस 132 इसके भी नीचे आएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारे को अभी तक और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद में क्या करना है, एड करना है इनको। तो देखो कुछ कैंसल हो रहा है तो हम कर देते हैं, तो देखो ये दोनों टू से डिवाइड हो रहे हैं, सिक्स टाइम, फिर वन बचा सिक्स टाइम, ये कितना 84 टाइम, फिर ये 33 आएगा टू से, फिर से फिर यहां कितना आएगा 42 आएगा, ठीक है। फिर ये 3 से कितने टाइम हो रहा है, 11 टाइम, तो माइनस 11 हो गया। फिर ये 3 से कितने टाइम हो रहा है, 14 टाइम। अब आगे नहीं हो रहा, ऐसे यहां देखो इस 12 को भी हम कुछ लिख सकते हैं क्या, देखो 12 को कैसा लिखा जा सकता है, 4 मल्टीप्लाई रूट 3, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, ये एक्चुअल में कितना बन जाएगा 2 रूट 3। तो अब इसको भी हम आगे क्या लिख सकते हैं, 30 मल्टीप्लाई 2 रूट 3 डिवाइड बाई माइनस 130, तो देखो 2 1 जा 2 ये हो जाएगा माइनस 66, फिर यहाँ पे 15, फिर ये हो जाएगा माइनस का 33, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर ये हो जाएगा 3 से 5 टाइम, और ये हो जाएगा 3 से माइनस 11 टाइम। तो फाइनल जो निकल के आएगा वो आएगा 14 अपॉन माइनस 11, बीच में देखो प्लस है तो प्लस लगा देता हूं अभी के लिए, 5 रूट 3 डिवाइड बाई माइनस 11। और अगर इसको और थोड़ा सा कंपेयर, अब कंपेरिजन कर लेते हैं, तो देखो इसके साथ कंपेयर करना है, इसका रिजल्ट ए प्लस कितना आ रहा था, बी रूट सी, तो ए की जगह पे तो आ रहा है माइनस 14 अपॉन 11 लिख देता हूँ, इसको नीचे वाले को ऊपर लिख देता हूँ, बी की जगह पे कितना आ रहा है माइनस 5 अपॉन 11, और सी की जगह पे कितना आ रहा है 3। अब इन तीनों को एड करना है हमारे को, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, माइनस 14 अपॉन 11 माइनस 5 अपॉन 11 हो जाएगा बी की जगह पे, और प्लस 3 नीचे 1 लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो मैं इसका यहाँ सोल्यूशन शायद शॉर्ट पड़ेगी जगह, तो देखो यहां कर देता हूं थोड़ा सा, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 11 आएगा, माइनस 14 इसको इसमें डिवाइड करेंगे 1 टाइम होगा, 1 को माइनस 14 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 14 माइनस 5, फिर यह होगा क्या होगा 1 से इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम होगा 11 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33। तो देखो ऊपर क्या बना, इन दोनों का सम कितना होता है 19, ठीक है। तो कितना हो गया इन दोनों का सम, तो माइनस का 19 प्लस 33 डिवाइड बाय 11, तो देखो इसको सेपरेट करो कितना आएगा, ऊपर 14 आ रहा है और नीचे कितना आ गया 11 आ गया। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ गलत नहीं होना चाहिए वरना आंसर हमारा गलत आएगा, ठीक है। तो देखो क्या है, यहां तक तो हमने सही किया था, ये माइनस 132 है ये भी सही है बिल्कुल, फिर ये इसमें भी डिवाइड होगा, तो यहां देखो कुछ कैंसिल करने में कुछ गलती तो नहीं की है, ये इन दोनों का सम 168 हो गया, तब ये 2 से डिवाइड होगा तो 8 टाइम है 4 टाइम, ये 66 हो गया, फिर यहाँ फिर से 2 से डिवाइड होगा ये 42 टाइम, ये 33 टाइम, फिर ये 3 से 14 टाइम होगा, ये 3 से 11 टाइम हो जाएगा, तो यहाँ पे 14 अपॉन माइनस 11 ये तो बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 12 भी आया था ना, हाँ सही है ये 12 भी आया था, ठीक है, रूट 2 और रूट 6 रूट 12, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 3 लिख सकते हैं, तो ये 2 वाला इससे कटेगा तो माइनस 66 आएगा, सही है। फिर यहाँ पे अगले स्टेप में क्या होगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, ये 15 फिर 5 हो जाएगा 3 से, फिर ये माइनस का 11 हो जाएगा, यानी 5 अपॉन माइनस 11, ठीक है। और यहाँ पे रूट 3 ऐसे कैसे, यानी कि हमने बिल्कुल सही किया है, कुछ भी गलत नहीं किया है। फिर ए की जगह पे 14 अपॉन 11 आ गया, यहाँ पे माइनस 5 अपॉन 11, और सी की जगह पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, जब एलसीएम वगैरह लेंगे तो 11 आएगा माइनस 14 माइनस 5 प्लस 33 सही है, ये हो जाएगा माइनस का 19 प्लस 33 डिवाइड बाई 11, यानी कि कितना आ रहा है 14 बाई 11 आ रहा है, सही है बिल्कुल, हमारा कोई भी गलत नहीं किया हमने। आई होप आप लोगों को ये दोनों एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनको भी अच्छे से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ये दो टाइप के क्वेश्चंस और हैं, इनको भी हम देखते हैं, अभी तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होने वाला है ध्यान रखना। तो देखो आप चाहो तो इसको दो पार्ट्स में देख सकते हो, कुछ पार्ट में, वैसे तो एक दो घंटे का लेक्चर कोई ज्यादा टाइम पीरियड नहीं होता है,
नाइन्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर सोचे तो, लेकिन फिर भी आपके सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप देख लेना इसको। तो देखो इस बार क्या दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पूछा है। मतलब हमें क्या करना है, x का स्क्वायर करना है, y का स्क्वायर करना है, फिर दोनों का सम करना है। तो अगर हम इसको प्रॉपर इसी का स्क्वायर करने बैठ जाए, इसका स्क्वायर करने बैठ जाए, फिर दोनों को एड करें तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स का कुछ सिंप्लीफाई रिजल्ट जो निकल के आएगा फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। तो देखो यहां क्या है, मैं इसको एक्स को सोल्व कर लेता हूं पहले, रूट थ्री प्लस रूट टू डिवाइड बाय रूट थ्री माइनस रूट टू। तो पहले इसका रेशनलाइजेशन करके इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, और इधर इधर वाई को भी क्या कर लेता हूं, मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो रेशनलाइजेशन करते हैं इसका, तो नीचे माइनस है तो ऊपर क्या करें, दोनों को माइनस प्लस से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा देखो, मतलब माइनस का है तो दोनों को प्लस से क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट थ्री प्लस रूट टू और रूट थ्री प्लस रूट टू, और यहां क्या होगा, नीचे प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट थ्री माइनस रूट टू और रूट थ्री माइनस रूट टू। तो देखो आगे सोल्व करने पर ऊपर तो क्या बन गया, रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर बन गया, नीचे क्या हो गया देखो, a माइनस बी ए प्लस बी बन गया, तो रूट थ्री का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर। तो मैं स्टेप्स को क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एलिमिनेट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो रूट थ्री का स्क्वायर मैं एक स्टेप लिख ही देता हूँ, चलो रूट थ्री स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री होता है, रूट टू का स्क्वायर टू होता है, थ्री माइनस टू कितना होता है वन होता है, तो नीचे वन लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो रूट थ्री का स्क्वायर कितना होगा, थ्री प्लस रूट टू का, भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ए स्क्वायर कितना होगा, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री आ गया, बी स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर टू आएगा, प्लस टू ए की जगह पे रूट थ्री, बी की जगह पे रूट टू, कितना आ जाएगा, फाइव प्लस टू रूट सिक्स। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि एक्स की वैल्यू मैंने कैसे निकाली। फिर हम वाई की वैल्यू निकाले, तो सेम वैसे ही वाई की वैल्यू निकलेगी, ऊपर तो हो गया रूट थ्री माइनस रूट टू का होल स्क्वायर बराबर, नीचे क्या हो जाएगा देखो, यहां पे a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, तो कितना हो जाएगा, रूट थ्री स्क्वायर माइनस रूट टू स्क्वायर, तो नीचे रूट थ्री का स्क्वायर थ्री होता है, रूट टू का स्क्वायर टू होता है, थ्री माइनस टू वन हो जाएगा, यानी फाइनल रिजल्ट क्या है, रूट थ्री माइनस रूट टू का होल स्क्वायर ही बचा। तो होल स्क्वायर कैसे करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, तो क्या होगा, ए स्क्वायर यानी रूट थ्री का स्क्वायर थ्री प्लस बी स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर टू माइनस टू ए बी, टू की जगह पे टू, रूट थ्री की जगह पे ए की जगह पे रूट थ्री और बी की जगह पे रूट टू आ गया। तो सिंप्लीफाई करोगे, फाइव माइनस टू रूट सिक्स। आई होप आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई होगी कि मैंने इसको सिंप्लीफाई कैसे किया, एक्स की वैल्यू निकाली और यहां से वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू दोनों की निकाल के रख ली। अब यहां से भी एक प्रॉब्लम है, एक तो तरीका है कि एक्स का स्क्वायर कर लो, वाई का स्क्वायर कर लो, दोनों को कंबाइन कर दो, एक तो तरीका ये है। एक तरीका क्या है वो भी हम देखेंगे, पहले हम एक काम करते हैं उसको नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाऊंगा तब मैं अच्छे से समझाऊंगा। अभी सिंपली क्या कर दो, x का स्क्वायर कर दो, x का स्क्वायर क्या होगा, 5 प्लस 2 रूट 6 का स्क्वायर, यहां क्या होगा, y का स्क्वायर करना है तो 5 माइनस 2 रूट 6 का, दोनों को कंबाइन करना है, पहले तो स्क्वायर कर लेते हैं, यहां पर ए प्लस बी का और स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस बी यानी टू रूट सिक्स का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए की जगह पे कितना है फाइव और बी की जगह पे टू रूट सिक्स, यहां भी ऐसा ही होगा, बस बीच में माइनस आ जाएगा, फाइव स्क्वायर प्लस टू रूट सिक्स स्क्वायर माइनस टू ए की जगह पे फाइव और बी की जगह पे टू रूट सिक्स। अब देखो फाइव का स्क्वायर कितना होगा, ट्वेंटी फाइव प्लस टू का स्क्वायर फोर और रूट सिक्स का सिक्स, फोर सिक्स ट्वेंटी फोर प्लस, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो देखो टू थ्री टू फाइव जा टेन, टेन टू जा ट्वेंटी रूट सिक्स, यहां कितना हो जाएगा, ये ट्वेंटी फाइव प्लस ये ट्वेंटी फोर, बीच में माइनस, फाइव टू जा टेन, टेन टू जा ट्वेंटी रूट सिक्स। अभी हमने एक्स स्क्वायर निकाल लिया है, वाई स्क्वायर भी निकाल लिया, तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों को क्या कर देते हैं, एड कर देते हैं। तो यहां मैं एड कर देता हूं, देखो मैं यही कर देता हूं, या यहां देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है तो यही देख लो एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है तो क्या होगा, तो देखो ये दोनों तो हो गए 49, ये दोनों हो गए 49 और 49 हो गए 98, और ये 10 रूट और 20 रूट 6 और माइनस 20 रूट 6 ये क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 98 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो अगली स्टेप में हम करते हैं, ये रहा सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इस बार बीच में क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है। पहले इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है, फिर जो भी रिजल्ट आएगा इसके रिजल्ट में से इसको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो पहले ए को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ए बराबर कितना आएगा, टू रूट फाइव, यहाँ पे कितना हो जाएगा, टू रूट टू प्लस रूट फाइव, टू माइनस रूट फाइव डिवाइड बाई टू प्लस रूट फाइव। तो नीचे प्लस है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ऊपर तो क्या बन गया, टू माइनस रूट फाइव का होल स्क्वायर, नीचे बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी टू स्क्वायर माइनस रूट फाइव का स्क्वायर। तो देखो ऊपर तो क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर फोर प्लस रूट, मतलब टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, रूट फाइव का फाइव होगा, माइनस टू ए बी, बी की जगह पे रूट फाइव है, और नीचे क्या हो जाएगा, फोर माइनस रूट फाइव का फाइव हो जाएगा, यानी माइनस का वन बचा। ऊपर कितना हो गया, नाइन माइनस फोर रूट फाइव, और नीचे जो माइनस वन बचा था उसको मैं यहां बाहर माइनस लिख देता हूं। तो अब यहां पे आगे भी सोल्व कर सकते हो एक स्टेप और, कि भाई अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाले को पहले लिख देता हूं फोर रूट फाइव को, और माइनस प्लस माइनस नाइन को बाद में लिख देता हूं। तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आया, फोर रूट फाइव माइनस नाइन, साथ में इसका स्क्वायर भी निकाल देते हैं यहीं पर, फोर रूट फाइव माइनस नाइन का होल स्क्वायर भी कर देते हैं, तो कितना आएगा, फोर रूट फाइव स्क्वायर प्लस नाइन स्क्वायर माइनस टू फोर रूट फाइव और मल्टीप्लाई नाइन, भाई ए टू ए भी होता है ना माइनस का, बीच में माइनस है इसलिए, तो टू ए की जगह पे फोर रूट फाइव और बी की जगह पे नाइन। फिर आगे क्या होगा, देखो फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, फाइव का रूट फाइव का फाइव, सिक्सटीन फाइव जा एटी, प्लस नाइन का स्क्वायर एटी वन, माइनस नाइन फोर जा थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स टू जा सेवेंटी टू रूट फाइव, इन दोनों को एड करोगे तो ये आएगा 161 माइनस 72 रूट फाइव। अब सिमिलर तरीके से बी को भी करोगे तो बी कितना था, 2 प्लस रूट फाइव डिवाइड बाई 2 माइनस रूट फाइव, मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो ऊपर क्या होगा, 2 माइनस रूट फाइव, सॉरी 2 प्लस रूट फाइव, और 2 बाई 2 प्लस रूट फाइव से करना पड़ेगा क्योंकि नीचे माइनस है ना, तो ऑपोजिट साइन से करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन के लिए। तो क्या होगा, ऊपर 2 प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई, नीचे क्या हो जाएगा, टू स्क्वायर माइनस रूट फाइव का होल स्क्वायर। तो नीचे देखो क्या बनेगा, यहाँ पे ऊपर तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी एक टू का स्क्वायर फोर रूट फाइव का फाइव प्लस टू ए बी, नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर रूट फाइव का फाइव, ठीक है। तो देखो नीचे माइनस का वन बन गया, तो उसको मैं ऊपर एडजस्ट कर दूंगा, तो माइनस ऊपर कितना हो गया, ये तो नाइन प्लस टू टू जा फोर रूट फाइव, और दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो माइनस नाइन और माइनस फोर रूट फाइव। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब बी का स्क्वायर करें, तो यहां पे इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कैसे करें हम, तो देखो यहां पे दोनों नेगेटिव है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, अगर दोनों नंबर्स पे नेगेटिव होना तो भी यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी लगेगी। कैसे लगती है यह नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में समझेंगे। दोनों नेगेटिव है तो दोनों को क्या करना है, पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी लगानी है। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, बी स्क्वायर तो माइनस नाइन का स्क्वायर प्लस, मैं इसको पूरा पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख देता हूं डायरेक्ट, फोर रूट फाइव का स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई नाइन मल्टीप्लाई फोर रूट फाइव। तो देखो 81 हो गया, ये कितना होगा, फोर फोर जा सिक्सटीन, रूट फाइव का फाइव, सिक्सटीन फाइव जा एटी, प्लस ये कितना हो जाएगा, सेवनटी टू रूट फाइव। तो ये कितना हो जाएगा, 161 प्लस 72 रूट फाइव। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना था, 161 माइनस 72 रूट फाइव, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है कितना, 161 प्लस 72 रूट फाइव। तो देखो आगे सोल्व करोगे, वन यहां ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो आगे सोल्व होगा तो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, ये वाला पार्ट तो 161 माइनस 72 रूट फाइव। अब देखो यहाँ पे ये माइनस प्लस माइनस का 161 हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस का 72 रूट फाइव हो जाएगा। तो देखो 161 से 161 तो जीरो हो गया, माइनस 172 रूट फाइव और माइनस 172 रूट फाइव माइनस 144 रूट फाइव बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट हो गया। आई होप आप लोगों को ये दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनको भी नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे एक और क्वेश्चन को करते हैं।
अब हम इन दो क्वेश्चंस को और देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे दो क्वेश्चंस और होंगे, इसके साथ ही फिर हमारा ये वाला चैप्टर मतलब ये वाला लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो देखो क्या बोल रखा है, इफ एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री दे रखा है, हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो लेंथी तरीका है, पहले क्या करो इसका स्क्वायर कर लो, फिर नीचे क्या करो स्क्वायर को नीचे ले जाओ और फिर आगे उन दोनों को एड करो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं देखो इसको शॉर्ट तरीका बता रहा हूं आप लोगों को, भाई अगर मैं x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करूं तो कितना आएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर टाइप का बन रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b यानी वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू a की जगह पे x है, b की जगह पे वन अपॉन एक्स है, x से x का, ठीक है। ये देखो क्या होगा, यहां तो x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वन का भी स्क्वायर होगा x का भी होगा, वन का स्क्वायर वन और x का एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे तो सब कुछ कट गया टू वन जा टू आया। क्या हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, क्या हमें ये तो वैल्यू चाहिए, तो हम रूट इस टू को उधर ले जाते तो ये माइनस का हो जाएगा, तो क्या बनेगा, मतलब अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करें, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के होल स्क्वायर में से सबट्रैक्ट कर दे, कितना भाई टू उधर जाके माइनस का हो जाएगा, टू को सबट्रैक्ट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स। लेकिन सबसे पहला काम हमारा यह है कि x x तो हमें गिवन है, 1 अपॉन x निकाल लेते हैं फिर उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखो 1 अपॉन x कैसे निकालें, तो 1 अपॉन x बराबर क्या होगा, 1 अपॉन x की जगह पे 2 रूट 3, रैशनलाइजेशन कर देते हैं इसका, तो 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2 माइनस रूट 3। आई होप आप लोगों को अब तक याद हो गया होगा कि रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि प्लस है तो माइनस से करना है। तो ऊपर तो देखो क्या हो गया, 2 माइनस रूट 3 1 से मल्टीप्लाई करने पे, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी हो गया, यानी 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1, नीचे वाला लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि इसका रिजल्ट कितना आया 2 माइनस रूट 5। तो अब हमारे को क्या पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का निकालना है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, एक्स कितना था 2 प्लस रूट 3 प्लस वन अपॉन एक्स कितना आ गया हमारे पास 2 माइनस रूट 3, उस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर कितना होगा, यहाँ पे 2 2 तो 4 हो गया, रूट 3 माइनस रूट 3 0 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर करना माइनस 2, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 14। तो हमारा ये रिजल्ट आ गया। आप प्रॉपर तरीके से भी कर सकते हो कि पहले x का स्क्वायर करो इसका, फिर 1 अपॉन x स्क्वायर करो, फिर दोनों को कंबाइन करो, वो बहुत लेंथी हो जाएगा, आप कोशिश करना कि इसको शॉर्ट तरीके में इस तरीके से किया जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट, हमें इसको प्रूफ करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके कि कितना आएगा 5 आएगा, तो इसको कैसे प्रूफ करें, तो वो ध्यान से समझना। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे टर्म्स है, जैसे ये पूरा है, ये पूरा है, इनको एक एक करने बैठ गए तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें सिक्वेंस को भी समझना पड़ेगा कि सिक्वेंस क्या हो रहा है। तो देखो हम इसका रैशनलाइजेशन करते हैं, इसका भी रैशनलाइजेशन करते हैं, इसका भी करते हैं, इसका भी करते हैं और इसका भी करते हैं, क्या रिजल्ट आता है वो देखते हैं। पहले एकता करके बता रहा हूं, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 माइनस रूट 8 है, तो 3 प्लस रूट 8 और 3 प्लस रूट 8 से क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 प्लस रूट 8 और ऊपर नीचे भी क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 8, ऊपर तो हो गया 3 प्लस रूट 8, नीचे क्या होगा, देखो 3 माइनस रूट 8, 3 प्लस रूट 8 है, ए माइनस बी प्लस बी बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, रूट 8 का स्क्वायर रूट हट जाएगा 8 आएगा, 9 माइनस 8 कितना आया 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब इसको सोल्व करने पे कितना आया ये। अब इसको सोल्व करो, देखो मैं एक और बता रहा हूं आपको, सीक्वेंस ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो देखो 1 अपॉन रूट 8 माइनस रूट 7, मैं यहां बता देता हूं, 1 अपॉन रूट 8 माइनस रूट 7, तो ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो, रूट 8 माइनस है तो प्लस से करना पड़ेगा ऊपर और नीचे, तो देखो ऊपर तो हो गया रूट 8 प्लस रूट 7, नीचे क्या होगा, देखो रूट 8 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, रूट 8 का स्क्वायर 8 होगा, रूट 7 का स्क्वायर 7 होगा, 8 माइनस 7 कितना होगा 1, तो नीचे वाला लिखने की जरूरत नहीं है, तो रूट 8 प्लस रूट 7। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा, यानी कि हो रहा क्या है, देखो नीचे जो था वैसा का वैसा ऊपर आ रहा है, बस साइन बदल रहा है। ऐसे यहां करोगे तो यहां पे आ जाएगा रूट 7 माइनस रूट 6 आ जाएगा, रूट 7 प्लस रूट 6 आ जाएगा, रूट 6 प्लस रूट 5 आ जाएगा, रूट 6 वो रूट 5 प्लस रूट 2 आ जाएगा, तो ये हमारा पैटर्न हमारे को दिख गया, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या आएगा, 3 प्लस रूट 8
बाहर माइनस है तो माइनस, फिर यहां क्या आएगा रूट एट प्लस रूट सेवन, प्लस है तो प्लस रूट सेवन प्लस रूट सिक्स। आप लोग पूरा करना, इन बाकी के तीनों को भी करना। मैंने आप लोगों को एक तरीका बता दिया कि भाई देखो सीक्वेंस आप देख पा रहे हो कि जैसा ये हो रहा है, जैसा ये हुआ था वैसा ये हुआ, वैसा ये होगा, ऐसे आगे के भी यही होंगे। बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है, माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगा रूट सिक्स प्लस रूट फाइव, फिर यहां प्लस है तो प्लस, और ये हो जाएगा रूट फाइव प्लस रूट टू, और राइट हैंड साइड में क्या चल रहा है फाइव, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं। तो देखो पहले तो ब्रैकेट्स को हटा देते हैं, तो ये इसके आगे तो कुछ भी नहीं है, तो थ्री प्लस रूट एट या माइनस है तो ये माइनस का रूट एट हो जाएगा, माइनस का रूट सेवन हो जाएगा, फिर ये कितना है ऐसे कैसे आ जाएगा रूट सेवन प्लस रूट सिक्स, ये माइनस रूट सिक्स माइनस रूट फाइव हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का रूट फाइव प्लस का टू हो जाएगा बराबर फाइव। राइट हैंड साइड में क्या चल रहा है हमारे फाइव चल रहा है। अब देखो रूट एट माइनस रूट एट जीरो हो गया, रूट सेवन माइनस प्लस ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, लास्ट में बचा क्या, इधर तो तीन बचा, इधर दो बचा बराबर फाइव, यहां पे भी फाइव हो गया, इधर भी फाइव हो गया, यानी कि लास्ट में क्या हो गया राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगी, तो हम क्या लिख देंगे हेंस प्रूफ, यानी कि हमने इसको क्या कर दिया प्रूफ कर दिया। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है। इन दोनों एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो को, नेक्स्ट स्लाइड पे दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो लास्ट दो क्वेश्चन और हैं, इनको भी सोल्व करते हैं, इसी के साथ फिर लेक्चर फिनिश हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं इसको करवा रहा हूं, इसको मैं बाद में करवाऊंगा। तो देखो क्या बोला है, x बराबर दे रखा है 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस डैश डैश, यहाँ पे बीच में क्या होगा 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 4, फिर 1 अपॉन रूट 4 प्लस रूट 5, ऐसे डैश 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 चलता रहेगा, 1 अपॉन रूट 79 प्लस रूट 78 प्लस 1 अपॉन रूट 80 प्लस रूट 81। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बीच में से इस लाइन का जो आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या दिया हुआ है सीक्वेंस, यही ध्यान रखना है। अब इसको x के बराबर ये है तो हमें x बाई टू की वैल्यू बतानी, मतलब इसको पूरे को सिंप्लीफाई करो, फिर जो x आएगा उसमें से दो का डिवाइड करके आंसर बताना है। तो देखो अगर हम इसको पूरे को अलग अलग रेशनलाइजेशन करने बैठ गए तो वो ज्यादा टाइम लगेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा पैटर्न समझना पड़ेगा। अगर पैटर्न समझ में आ गया तो आप लोग क्या कर सकते हो, किसी को भी सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले तो एक काम कर रहा हूं मैं, ये जो नीचे है ना डिनोमिनेटर में 1 प्लस रूट 2 है तो इसको मैं रूट 2 प्लस 1 लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, ऐसे इसको रूट 3 प्लस 2 लिख देता हूँ, ऐसे मतलब इनको सबको ए प्लस बी को बी प्लस ए बना के लिख देता हूँ। तो देखो क्या होगा 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 2 डैश डैश डैश, लास्ट में 1 अपॉन 79 था, 79 रूट प्लस रूट 80 था, इसको रूट 80 प्लस रूट 79 कर देता हूँ प्लस 1 अपॉन रूट 81 प्लस रूट 80। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं शुरू के दो तीन का रेशनलाइजेशन करके बताता हूं, उससे आप लोगों को सीक्वेंस पता चल जाएगा, सीक्वेंस पता चल जाएगा फिर अपने आप समझ में आने लग जाएगा। तो देखो इसका रेशनलाइजेशन करें तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहां तो कितना है 1 मल्टीप्लाई रूट 2, मैं इसको अलग करके बता रहा हूं, 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, तो रूट 2 माइनस 1 और रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर तो रूट 2 माइनस 1 बचे और नीचे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखो ऊपर तो रूट 2 माइनस 1 बचा, नीचे रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 माइनस 1 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या है रूट 2 माइनस 1। अगले को भी करके देख लेते हैं जिससे सिक्वेंस पैटर्न हमेशा पता चल जाएगा हमारे को, ठीक है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो कि क्या कोई पैटर्न बन रहा है। तो देखो वही है, नीचे वाले के ऑपोजिट साइन से यानी रूट थ्री माइनस रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ऊपर तो रूट थ्री माइनस रूट टू, नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री होगा, ठीक है, और रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा टू हो जाएगा, तो ऊपर तो रूट थ्री माइनस रूट टू बचा, नीचे रूट थ्री का स्क्वायर थ्री माइनस रूट टू का स्क्वायर टू, थ्री माइनस टू वन होगा, यानी वन, यानी हो रहा क्या है नीचे देखो सीक्वेंस अब आप लोगों को देखना पड़ेगा, यहाँ पे रूट टू प्लस वन था तो रिजल्ट क्या है रूट टू माइनस वन, रूट थ्री प्लस टू था तो रूट थ्री माइनस रूट टू आया, तो आगे भी सेम ऐसा ही पैटर्न चलेगा। तो देखो अब मैं इसको पूरे को पैटर्न को लिख देता हूँ, ये क्या बनेगा, इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या बन जाएगा रूट टू माइनस वन, फिर अगले वाले को रूट थ्री प्लस वो सॉरी माइनस रूट टू, फिर अगला क्या होगा रूट फोर माइनस रूट थ्री, ये सीक्वेंस चलता रहेगा,
प्लस रूट फाइव माइनस रूट फोर डैश डैश डैश, फिर यहां पे क्या होगा रूट एटी माइनस रूट सेवेंटी नाइन प्लस रूट एटी वन माइनस रूट एटी। आई होप आप लोगों को यहां तक सीक्वेंस समझ में आ गया होगा कि क्या किया हमने, सबका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये बनेगा। अब देखो कुछ कट रहा है, तो देखो ये वाला रूट टू प्लस का उससे अगले वाले नेगेटिव से कट जाएगा, ये देखो इसके अगले नेगेटिव से, ये रूट इसके अगले नेगेटिव से, ऐसे सारे कट जाएंगे आगे। फिर क्या होगा देखो, ये 79 इससे पहले वाले कहीं 79 से कट जाएगा, और ये रूट 80 इस रूट 80 से कट जाएगा, ये माइनस का है प्लस का। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा, एक तो रूट 81 बचा और यहाँ पे माइनस का 1 बचा, बाकी सारे क्या हो गए कैंसिल हो गए। रूट 81 की वैल्यू कितनी होती है 9, माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। अब हमें 8 थोड़ी ना निकालना था, ये तो x की वैल्यू थी यानी x बराबर 8 आ गया, तो हमारे को निकालना है x by 2, तो x by 2 कितना होगा 8 by 2 equal 4, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ गया 4। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से समझना। अब हम देखते हैं ये वाला, तो यहाँ भी देखो नीचे वाले चीजें एक जैसी दिख रही है, तो सबसे पहला काम तो यही है कि हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर्स को थोड़ा स्वेप कर लेते हैं। स्वेप करने का फायदा क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, छोटे में से बड़ा माइनस करोगे ना तो नेगेटिव नंबर बन के आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आप चाहो तो इतना भी रख सकते हो, इसके अंदर हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो सबके ऊपर 2 आ रहा है, तो 2 को बाहर निकालना, नीचे क्या बनेगा 2 प्लस रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 4 माइनस 1 अपॉन रूट 4 प्लस रूट 5 माइनस फिर रूट 5 रूट 6 ऐसे चलता जाएगा, और लास्ट में क्या होगा 1 अपॉन रूट 8 प्लस रूट 9। अब सबका रैशनलाइजेशन करते हैं, तो मैं एक का करके बताता हूं बाकी सब कैसे कैसे होगा। तो देखो 2 मैं यहां इसका कर देता हूं और इसका कर देता हूं या किसी एक का कर देता हूं, तो देखो 1 अपॉन ये क्या होगा 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 माइनस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 से, तो ऊपर क्या बनेगा 2 माइनस रूट 3, नीचे क्या बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ये बनेगा भाई 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 कितना बना 1, यानी कि इसका रिजल्ट कितना है 2 माइनस रूट 3। अब आगे देखो 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 4, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रूट 3 माइनस रूट 4 से, रूट 3 माइनस रूट 4 से, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रूट 3 माइनस रूट 4 आएगा, फिर इसको इससे करेंगे रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 4 का स्क्वायर यानी 3 माइनस 4 क्या बना नेगेटिव 1, कितना बना माइनस का 1 यानी रूट 3 माइनस रूट 4 डिवाइड बाई माइनस 1, मतलब इसको सोल्व किया हमने तो ये बना ये। अब ध्यान से समझना, ये माइनस पहले से चल रहा था, ये माइनस और आ गया, मतलब ये क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी ओवरऑल रिजल्ट हम क्या लिख सकते हैं ये वाला, तो यही सीक्वेंस आगे भी चलेगा। तो अब क्या लिख सकते हैं बाहर वाला 2 ऐसे कैसे चल रहा है, इसकी जगह पे क्या बना 2 माइनस रूट 3, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा रूट 3 माइनस रूट 4 प्लस, फिर अगले स्टेप में ये माइनस और उसका माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा अगले स्टेप वाला, और यहां क्या बन जाएगा रूट 4 माइनस रूट 5, फिर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा कितना बनेगा रूट 5 माइनस रूट 6 डैश 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 चलता जाएगा प्लस, लास्ट में क्या बनेगा रूट 8 माइनस रूट 9। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा, सीक्वेंस पैटर्न समझना बहुत जरूरी है भाई, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये आ रही थी ना, तो भाई इसकी जगह पे ये रिप्लेस करेंगे हम, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे वाला लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी बच गया क्या ये वाला पार्ट, तो ये ऐसे कैसे नोट कर दिया। अब देखो कुछ आगे कैंसिल हो रहा है, तो देखो ये भी इससे गया, ये इधर कैंसिल हो जाएगा, ये इधर कैंसिल हो जाएगा, ये रूट 8 इधर, इससे पहले वाला क्या होगा रूट 7 माइनस रूट 8 आएगा, तो उससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी आगे कैंसिल हो जाएगा, ये भी आगे कैंसिल हो जाएगा, फाइनल में क्या बचा एक तो 2 बचा इधर और एक माइनस का रूट 9 बचा, 2 और यहां तो 2 माइनस रूट 9 कितना होता है 3 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 कितना होगा माइनस का 1, यानी फाइनल रिजल्ट कितना आ गया माइनस का 2। आई होप आप लोगों को ये दोनों भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है और रैशनलाइजेशन वाला टॉपिक भी फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इरेशनल नंबर्स को, वो देखने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।